हरे कृष्णा ओम ज्ञानांजन ओंजानीरांध्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मित ये नस्म श्रीगुर्वे नम नम ओं विष्णु पृष्णपृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदातस्वामीनतिना नमस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे पाश्चात्यादेश पाश्चातरिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे श्री रामचंद्र भगवान की जय विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को लेके वन की तरफ प्रस्थान किए जब उन यात्रा प्रारंभ हुई बोलते हैं सारे के सारे नए नागरिक मार्ग राजमार्ग पे आ गए हर एक नागरिक पूर्ण रूप से रामचंद्र जी के सौंदर्य को निहार रहा था उनको देखना चाहता था वो एक बड़े मिशन पे जा रहे हैं यहाँ तक कि काफी सारे लोग अपना मृदंग ढोल अनेक प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेके गए बजाने के लिए मानो एक बड़ी विजय की घोषणा होने वाली है और साथ ही साथ कहीं सारे नागरिक कई प्रकार के फूल लेके आगे और फूलों की वर्षा कर लगे जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे राम और लक्ष्मण दोनों मानो ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो तीन फणों वाला सर्प हो ऐसी तुलना क्यों की गई है तीन फणों वाला सर्प क्योंकि जो रामचंद्र है इट्स लाइक अ थ्री हुडेड सर्पेंट एक ऐसा सांप जिनके जिनके तीन सर हैं वो कैसा क्योंकि बीच में राम जी का शीश है और राम जी के शीश के आसपास जो जिसमें वो अपना बाण लेके जाते हैं जिसे बोलते हैं क्विवर ऐसा एक नहीं दो क्विवर हैं उनके पास उनके धनुष को आ, के जो बाण है उसको रखने के लिए जिसे तुनीर या तरकश भी बोलते हैं तो जो तरकश जिसके अंदर वो सारे बाण रखते हैं एक तरकश इस कंधे पे है एक तरकश इस कंधे पे है उसमें बहुत सारे बाण हैं और बीच में रामचंद्र जी का शीश है तो चल रहे हैं तो मानो ऐसे लग रहा है तीन शीश वाले सर्प हैं और ऐसे एक नहीं दो हैं राम जी भी हैं लक्ष्मण जी भी हैं और सर्प से तुलना क्योंकि यह है? निकले हैं असुरों का नाश करने के लिए असुरों को समाप्त करने के लिए तो इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर तत्व का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे और साथ ही साथ जब वहां से प्रस्थान करते हैं राम जी और लक्ष्मण जी तो दशरथ जैसे राम लक्ष्मण वन की तरफ जा रहे हैं महल से निकले हैं वन की तरफ जा रहे हैं तो दशरथ महाराज को ऐसा लग रहा है कि उनके शरीर से प्राण उनको छोड़ के कहीं दूर जा रहे हैं और जितना दूर उनके प्राण जा रहे हैं दशरथ उतने ही दुर्बल या कमजोर होते हुए महसूस कर रहे हैं वो अपने प्राण संभाल नहीं पा रहे राम और लक्ष्मण को दूर जाता हुआ देख ऐसा अद्भुत प्रेम था दशरथ महाराज का राम और लक्ष्मण से जैसे हम कल चर्चा कर चुके हैं उनका खुशी का जो ऑब्जेक्ट है वस्तु है वो अभी उनके पास से किसी और के पास गया जिसके सौंदर्य का दर्शन करके प्रतिदिन दशरथ और कौशल्य ले आनंद लेते थे अभी उनका सौंदर्य का आनंद प्रतिदिन विश्वामित्र करेंगे द पार्सल ऑफ हैप्पीनेस इज पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो पीछे रह गया उसे शायद अपनी इच्छा वस्तु को प्राप्त करने का सुख ना मिले लेकिन उसे संतुष्टि मिलेगा कि धर्म के लिए एक उत्तम प्रयोजन के लिए मैंने समर्पण किया त्याग किया और सही मार्ग को चुना सही चॉइस को चुना दशरथ महाराज के पास चॉइस हो सकता था राम को अपने पास रखना एक प्रकार की खुशी मिलती लेकिन उससे अच्छा दशरथ महाराज ने चुना राम जी को जाने दीजिए समाज का कल्याण होगा उससे उनको टेम्परेरी हैप्पीनेस शायद ना मिले लेकिन परमानेंट सेटिस्फेक्शन मिलेगा उन्होंने उत्तम कार्य किया इस प्रकार से जो यात्रा प्रारंभ हो गई तो आगे वर्णन आता है कि विश्वामित्र जी आगे चल रहे हैं उनके पीछे राम उनके पीछे लक्ष्मण धीरे धीरे शहर को छोड़ के अनेक सिटी विलेज टाउन को छोड़ के वन के मार्ग में आ जाते हैं वहां पे बहुत सारे फूलों के बगीचे हैं बहुत सारे अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर वृक्ष हैं बहुत सारे पक्षी चहचा रहे हैं तितलियां हैं अनेक सुंदर दृश्य उनको वन में दिखने को मिलते हैं जो मधुमक्खी के शहद के छत्ते हैं उनसे शहद टपक रही है क्योंकि जोर से हवा का स्पर्श होता है और वो मधुमक्खी की शहद टपक रही है उससे जो नीचे की मिट्टी है वो गीली हुई पड़ी है और बहुत ही सुंदर दृश्य जो है राम और लक्ष्मण देख रहे हैं और मानो पहली बार वन को इतना विस्तार से देख रहे हैं और साथ ही साथ विश्वामित्र जो है विश्वामित्र साथ ही साथ बहुत ही उत्साह से राम और लक्ष्मण को एक एक तत्व के बारे में समझा रहे हैं कोई शहर से गए कोई प्रदेश कोई गांव कोई सिटी कोई टाउन कोई विलेज तो उधर से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण स्टोरीज हैं कथाएं हैं चर्चाएं हैं उसके ऊपर बड़ा सुंदर वर्णन विश्वामित्र जी सुना रहे हैं और ये कहानियां बहुत रोमांचक है राम और लक्ष्मण के लिए बोले कम से कम वो आठ मील तक चलते गए चलते गए और चलते चलते सरयू नदी के दक्षिण तट पे पहुंच गए जब दक्षिण तट पे पहुंच गए अभी देखिए दशरथ महाराज ने एक बात विश्वामित्र जी को करी कह, कही थी जब वो राम जी को लेके निकले थे कि आप थोड़ा अपना रिजिडिटी कम करके एक साधु की जो स्ट्रिक्टनेस है शिष्टाचार है है उसको कम करके थोड़ा मदरली भाव दर्शाना कृपया मातृत्व जैसा स्नेह प्रदान करना राम और लक्ष्मण को क्योंकि देखिए एक ऋषि का या ऐसे तपस्वी का जीवन बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड होता है किस दृष्टिकोण से उनका रिजल्ट अध्यात्म की पूर्णता को प्राप्त करना समाज का कल्याण करना समाज के लिए कहीं सारे प्रोजेक्ट्स पूर्ण करने हैं वो सब रिजल्ट है। लेकिन एक माता-पिता का दृष्टिकोण लव ओरिएंटेड होता है प्रेम का दृष्टिकोण होता है ऐसा प्रेम जिसमें कोई गलती कर दे ठीक है चलेगा तो दशरथ महाराज सोच रहे हैं कि विश्वामित्र जैसे ऋषि जो कभी परिवार में रहे नहीं पारिवारिक प्रेम की भाषा को शायद समझ नहीं पाएंगे शायद वो राम से गलती हो जाए तो उनको दंड दे देंगे क्योंकि विश्वामित्र बहुत ही कठोर योगी हैं, कठोर मतलब अपने जीवन में बहुत कठोरता से उन्होंने तपस्या और शिष्टाचार किया तो दशरथ महाराज उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं थोड़ा मदरली या मातृत्व जैसा स्नेह दर्शाना बहुत कठोरता मत दर्शाना लेकिन जब ये सरायु नदी के तट पे आते तो विश्वामित्र जी ने जैसे ही राम जी को देखा राम जी को देखते ही उनके हृदय में ऐसा सुंदर मदरली कंपैशन जागरूकता और विशेष रूप से ये करुणा जागृत होने का कारण ये भी था कि जब उन्होंने राम और लक्ष्मण के चेहरे को देखा दोनों थक चुके थे चेहरे पे थकावट दिख रही थी मानो उनका उत्साह कम हो रहा है वन की तपस्याओं का सामना करके तभी विश्वामित्र ने सोचा कि मुझे ब्रह्मा जी से दो विशेष मंत्र प्राप्त हुए हैं बल और अति बल अगर मैं ये दोनों मंत्र राम को सिखा दू तो उसके बाद वन में कभी समस्या नहीं होगी राम जी को बोला आप नदी में स्नान करके आए उसके बाद आपको मैं ये मंत्र सिखाऊंगा राम जी में नदी में गए स्नान किया और जैसे जैसा विश्वामित्र ने आदेश दिया वैसा पालन किया अभी यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है विश्वामित्र ने मंत्र राम जी को सिखाने का सोचा लक्ष्मण को सिखाने का नहीं सोचा क्या कारण हो सकता है सबसे महत्वपूर्ण कारण तो ये है कि लक्ष्मण आप देख रहे हैं कि विश्वामित्र के पीछे राम चलते हैं राम के पीछे लक्ष्मण लक्ष्मण कभी अपने आप को राम की बराबरी का नहीं समझते राम के छोटे भाई हैं बिल्कुल राम का दास मानते हैं अपने आप को अगर विश्वामित्र जी राम को भी मंत्र देते और लक्ष्मण को भी मंत्र देते दोनों ने एक ही गुरु से मंत्र प्राप्त किया ज्ञान प्राप्त किया तो दोनों बराबरी के हो जाते और लक्ष्मण को ये बड़ा एम्बेरेसिंग लगता लक्ष्मण को इसमें बहुत हिचकिचाहट होती कि मैं राम की बराबरी का कैसे हो सकता हूं लक्ष्मण के मन में ऐसा था ही नहीं कि मुझे डायरेक्ट विश्वामित्र से चाहिए लक्ष्मण की केवल एक आइडेंटिटी थी मैं तो राम का सेवक हूं राम विश्वामित्र से ज्ञान लेंगे अगर मुझे चाहिए होगा तो मुझे राम देंगे तो विश्वामित्र भी लक्ष्मण के इस सुंदर भक्ति भाव के प्रति बहुत संवेदनशील सेंसिटिव थे उन्होंने लक्ष्मण को ज्ञान नहीं दिया वो ज्ञान आगे राम देंगे उन्होंने राम जी को ज्ञान दिया और दूसरा विश्वामित्र ये सब मंत्र विद्या अपने जीवन में धारण की है लेकिन उनको ये ज्ञान एक बोझ के समान लग रहा था क्यों क्योंकि लोग उनको ज्ञानी तो बोल रहे हैं लेकिन ज्ञान के असली स्रोत तो भगवान राम है जैसे गंगा जी का जल गंगा जी में ही अर्पण करते हैं और इस प्रकार से गंगा जी की स्तुति करते हैं उसी प्रकार से उसी प्रकार से विश्वामित्र सोच रहे हैं जब मैं ये ज्ञान राम जी को दूंगा तो राम जी का ज्ञान राम जी को वापिस कर दूंगा मेरे कंधे का जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा मैं दुनिया को घोषणा करना चाहता हूं इस ज्ञान का असली मालिक कौन है रामचंद्र मालिक है इट शुड बी टू हिम विश्वामित्र ने राम जी को मंत्र सिखाए मंत्र का ऐसा प्रभाव था हर प्रकार की थकावट दूर हो जाएगी किसी प्रकार का बुखार इत्यादि नहीं आएगा कोई आसुरिक शक्तियों का प्रभाव उनके शरीर पे नहीं पड़ेगा चाहे वो जागृत अवस्था में है या सो रहे हैं साथ ही साथ कौशल में एक्सपर्ट डेक्सचुरिटी दे, में बहुत ही निपुण हो जाएंगे उनके मुकाबले का कोई नहीं होगा शक्ति में भी और कौशल में भी स्ट्रेंथ में भी और एबिलिटीज डेक्सटेरिटी में उनके समान सौंदर्य किसी का नहीं होगा उनके समान पांडित्य किसी का नहीं होगा उनकी विवेक शक्ति डिस्क्रिमिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और साथ ही साथ बहुत रिसोर्सफुल हो जाएंगे और साथ ही साथ कभी भूख और प्यास की तड़प उनको नहीं होगी और उनकी बराबरी का कोई तेजस्वी या प्रसिद्ध नहीं होगा ऐसी शक्तियां राम जी को उस मंत्र के प्रभाव से मिलेंगी अगर राम को हम मानवीय स्तर से दृष्टिकोण से देखें वैसे तो भगवान है सभी शक्तियां उनके पास है लेकिन मानवीय लीला कर रहे हैं ही इज एक्टिंग एज ए ह्यूमन राम जी ने सारे के सारे मंत्र सीख लिए ही लर्न द मंत्र विद डेडिकेशन एंड फोकस पूर्ण तीव्रता से केंद्रित होके पूर्ण डेडिकेशन दिखा के वह मंत्र सीख लिए और जैसे ही दोनों मंत्रों पे उनकी निपुणता हो गई वो ऐसे तेजस्वी हो गए मानो सूर्य के समान जाज्वल्य मान है बहुत ही तेज उनसे प्रकट होने लगा अच्छा अभी आनंद की बात क्या आती है कि इतना तेज मिल गया इतनी शक्ति आ गई उनके तुलना का और कोई नहीं है लेकिन फिर भी राम विश्वामित्र को ये नहीं बोलते कि अभी आपकी सेवा नहीं करूंगा अभी सब कुछ तो मिल गया मैं अपने आप मैनेज कर लूंगा विश्वामित्र के प्रति उतने ही सेवा भावी रहते हैं उतने ही सचेत रहते हैं His to serve विश्वामित्र रिमेन्स एवर फ्रेश उनकी कृतज्ञता विश्वामित्र के प्रति बनी रहती है इतना सुंदर तत्व आ रहा है आप देखिए यहां पे ऐसा नहीं वो घमंडी हो गए इसीलिए जब वैदिक संस्कृति में एक शिक्षक अपने शिष्य को ज्ञान देता है एक टीचर अपने स्टूडेंट को सिखाता है तो उस समय एक सुंदर आशीर्वाद देता है वो आशीर्वाद है विजय विनय भव विजय भव इन शक्तियों से आपकी जीत हो लेकिन साथ ही साथ बोलते हैं विनय भव विनय भव मतलब नम्रता आपके में जागृत हो वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं कि विजय जीत तो गए लेकिन जीत जो है सर पे चढ़ गई अहंकार हो गया नम्रता भी बनी रहनी चाहिए और वैदिक संस्कृति में सबसे ज्यादा जोर इस बात पे दिया जाता है कि विद्यार्थी के हृदय में पूर्ण रूप से कृतज्ञता होनी चाहिए अपने शिक्षक के प्रति तो राम तो परम भगवान थे लेकिन विद्यार्थी की भूमिका निभा रहे थे इसलिए बहुत ही आ, अच्छा उदाहरण स्थापित कर रहे थे कि कभी भी अपने गुरु के प्रति सेवा भाव कम नहीं होना चाहिए हम कितने ही बड़े क्वालिफाइड व्यक्ति क्यों ना हो जाओ कितने ही योग्य क्यों ना हो जाए इसके बाद आती है कथा सरायो नदी के तट पे चलते हुए जब वो सरायो नदी के पास पहुंच गए और विश्राम का समय आ गया शाम का बोले वहां पे हरी घास थी विश्वामित्र ने बोला आज आपको यहीं सोना है अभी देखिए राम और लक्ष्मण जो महलों में बड़े ही ऐश्वर्य के बीच रहते हैं बड़े बड़े महलों पे रहते हैं मखमली गदियों के ऊपर सोते हैं सडनली उनको बोला जाए आप नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे घास पे सोना है उनके चेहरे पे तनिक भी चिंता नहीं थी क्योंकि ट्रेनिंग का एक और बहुत इंपॉर्टेंट भाग है प्रशिक्षण का वो क्या है बीइंग हैप्पी एंड फ्लेक्सिबल इन एनी सिचुएशन परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना अगर किसी युवक की युवती की किसी परिवार में अच्छी ट्रेनिंग ना हुई हो तो अक्सर उसका व्यक्तित्व बहुत रिजिड हो जाता है कठोर कि हम ऐसे माहौल में रहे हैं तो ऐसे ही रहेंगे हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते राम और लक्ष्मण दर्शा रहे हैं परिस्थिति बदली उन्होंने बड़ी आसानी से एडजस्ट कर लिया और वहां पे सोने को तैयार हो गए ये तो राम और लक्ष्मण की तरफ से अभी आप सोचिए विश्वामित्र की तरफ से विश्वामित्र एक शिक्षक के रूप में बोल सकते हैं ना चुपचाप सो जाओ कंप्लेन नहीं करने का करना मत करना मत लेकिन आप सोचिए जितना राम एडजस्ट करने को तैयार है लेकिन विश्वामित्र एक शिक्षक के रूप में एक केयर टेकर के रूप में एक देखभाल करने वाले व्यक्ति के रूप में कठोरता नहीं दर्शा रहे वो पढ़े ही प्रेम भरे शब्द बोलते हैं और उनको बोलते हैं कि देखो यहाँ पे आपको वैसा लग्जरी ऐश्वर्य नहीं मिल रहा जैसे महलों में मिलता है लेकिन बड़े मीठे शब्दों से उनको प्रेम भरे शब्दों से सांत्वना पहुंचा रहे तो यहाँ पे एक और शिक्षा मिलती है कि अगर व्यक्ति के पास चॉइस होता है ऐश्वर्य या मीठे शब्द दोनों मिल जाए तो बेस्ट है ऐश्वर्य भी मिले और मीठे शब्दों से सत्कार भी हो लेकिन अगर चॉइस हो तो व्यक्ति हमेशा मीठे शब्द ही चुनेगा। जहां पे नहीं है, लेकिन प्रेम से सत्कार तो होता है, प्रेम का आदान प्रदान तो होता है कभी कभी व्यक्ति बहुत ऐश्वर्य बड़े महलों में बड़े बंगलों में रहता है बड़े बड़े फ्लैट्स में रहता है लेकिन अंदर कोई लोग कठोर शब्दों के ताने मारते रहते हैं वहां पे इतना सुख नहीं है जितना सड़क किनारे पड़े रहने को अगर कोई चार मीठे शब्द बोलने वाला है तो और यहाँ पे विश्वामित्र बड़ी मीठी वाणी से उनके हृदय को मातृत्व प्रेम का अनुभव करवा रहे हैं और ये विश्वामित्र जो जीवन भर ऐसे कोमल बालकों से डील नहीं किए व्यवहारिक रूप से विश्वामित्र तो हमेशा एक कठोर तपस्या में लगे आए हैं इस परिस्थिति में उनकी पर्सनैलिटी का एक सॉफ्ट साइड दिख रहा है कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं आंसू बहाना कमजोर व्यक्ति के लक्षण है लेकिन ऐसा नहीं है हर व्यक्ति का एक सॉफ्ट साइड भी होना चाहिए कठोर भी होना चाहिए कठोर साइड से मेरा मतलब है अपने स्वयं के प्रति शिष्टाचार डिसिप्लिन नैतिकता मॉरैलिटी नियमों से खुद को बांधना चाहिए लेकिन साथ ही साथ एक प्रेम भरा हृदय भी होना चाहिए जिसमें अनेक प्रकार के व्यक्तियों को अकोमोडेट कर सके उनसे प्रेम का आदान प्रदान कर सके यहाँ बारह साल के बालक हैं, उनके साथ विश्वामित्र उनको बड़ी प्रेम भरी कहानियां सुनाते हुए उनको सुलाते हैं बहुत सुंदर तत्व आ रहा है यहाँ पे और वो रात्रि इस प्रकार से बीतती है लेकिन विश्वामित्र सूर्य उदय होने से बहुत पहले उठ के राम जी को निहारते रहते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि विश्वामित्र सोए ही नहीं क्योंकि राम जी का सौंदर्य इतना सुंदर था और विश्वामित्र सोच रहे थे कि कौशल्या का क्या भाग्य है कौशल्या कितनी भाग्यशाली अभी देखिए विश्वामित्र एक बड़े ही हाई लेवल के तपस्वी हैं बहुत बड़े लेकिन एक महिला सिंपल महलों में रहने वाली महिला कौशल्या का महिमा गान कर रहे हैं कि कौशल्या का भाग्य क्या है हर रोज प्रतिदिन सुबह प्रातःकालीन जब वो राम जी को जगाती हैं तो उनके सुंदर मुख के दर्शन होते हैं अभी देखिए विश्वामित्र जब राम जी के दर्शन कर रहे हैं तो सोच रहे हैं मानो कोई स्वर्ग के दो कोमल देवता देवलोक से प्रकट हुए हैं फिर सोचते हैं मानो दो हीरे मेरी गोद में डाल दिए गए ये साधु उनके हृदय में अनेक प्रकार की प्रेम भरी भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं तो फिर ये साधु सोचते हैं कि अध्यात्म में दो प्रकार के मार्ग होते हैं जो योग मार्ग है कठिन तपस्या का मार्ग होता है लेकिन भक्ति मार्ग है वो प्रेममयी सेवा का मार्ग है और हमेशा योगी और भक्त आपस में ये मतभेद रखें कि कौन सा मार्ग बड़ा है लेकिन जिसने दोनों मार्ग का अनुभव किया है वही बता सकता है ना कौन सा बड़ा है विश्वामित्र ने योग साधना साधना हजारों हजारों साल योग साधना करी, तो उन्होंने योग मार्ग का भी अनुभव किया लेकिन आज वो एक भक्तिमय सेवा प्रेमयी सेवा का अनुभव कर रहे हैं और उनके हृदय में जो एक्सपीरियंस उमड़ रहा है जो अनुभव उत्पन्न हो रहा है उनके हृदय में वो उससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भक्ति मार्ग जो है वो योग मार्ग से कितना उत्तम है हाउ स्पेशल इज द भक्ति मार्ग कितना उत्तम है बहुत ही सुंदर तत्व आ रहा है यहाँ पे ये उनका अनुभव जागृत हो रहा है भक्ति के प्रति मानो विश्वामित्र की ग्रोथ हो रही है मैच्योरिटी हो रही है जैसे एक छोटा बच्चा प्रतिदिन धीरे-धीरे बड़ा होता है तो उसकी मानसिकता भी ब्रॉडन होती है उसकी विचारधाराएं भी बढ़ती हैं विकास होता है उनका जैसे सूरज सुबह उदय होता है पहले हल्की सी एक किरण देखती है धीरे 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 दोपहर तक आकाश में पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहा होता है ऐसे विश्वामित्र मानो एक छोटे बालक की तरह थे राम जी को वन में लेके जाने के पहले अनेक प्रकार के यज्ञ तपस्या में स्थित थे लेकिन उनका भक्ति भाव का विकास नहीं हुआ था और अब राम जी के सौंदर्य का दर्शन करके उनके भक्ति भाव का विकास होना शुरू होता है इसीलिए एक दृष्टिकोण से बोला गया है कि रामायण के पहले भाग को बालकांड बोलते हैं रामायण के कई भाग हैं पहला बालकांड है लेकिन बाल यानी चाइल्ड बच्चा लेकिन राम जी के बाल्य अवस्था के बारे में तो कुछ बोला नहीं तो दृष्टिकोण ऐसा दिया गया है कि विश्वामित्र जो अभी तक भक्ति के बाल्यपन में थे उनकी भक्ति का विकास होता है और धीरे धीरे एक कमल के फूल की तरह खिलने लगती है वो भक्ति का विकास जो बाल्य अवस्था से हो रहा है और विश्वामित्र अपने जीवन में जो अनेक प्रकार के संघर्ष से गुजरे अनेक प्रकार के आंतरिक संघर्ष इंटरनल स्ट्रगल्स, अपने अहंकार से अपनी आसक्तियों से जो संघर्ष है उसको छोड़ते हुए कैसे उनको राम जी का आश्रय मिला और राम जी के साथ कैसे उन्होंने समय बिताया और उनके हृदय के अनुभव क्या रहे उसका दर्शन हम कर रहे हैं यहाँ पे जब विश्वामित्र जी सुबह के समय राम जी को उठाते हैं तो उस समय उनके मुख से एक श्लोक निकलता है सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नर शार्दुल कर्तव्य दैव मानिकम सबसे पहला शब्द है इस श्लोक का कौशल्या इस श्लोक का मतलब है अरे कौशल्या कितनी भाग्यशाली हैं। कौशल्या इतनी भाग्यशाली हैं जैसे सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है ऐसे कौशल्या के गर्भ से ये राम रूपी सूरज उदय हुआ है और जैसे कौशल्या सुबह सुबह राम को जगाती हैं ऐसे राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं विश्वामित्र मुनि कृपया जागिए जागिए और वो कार्य करिए दिव्य कार्य करिए जिसके लिए आपका अवतार हुआ है आइए उसको कार्यों को प्रारंभ करते हैं जैसे सूरज उदय होता है और अंधकार को नष्ट करता है कृपया उदय सुबह उठिए जागृत हुई और आसुरिक शक्तियों को नष्ट करने में सहायता कीजिए लेकिन यहाँ पे जब वो कौशल्या का नाम लेते हैं जो कि श्लोक का पहला शब्द है कौशल्या सुप्रजा राजन जैसे ही कौशल्या शब्द का नाम लेते हैं बोलते हैं ऐसा बोला गया है कि विश्वामित्र ऋषि सूर्य उदय से काफी घंटों पहले ही उठ के राम जी को देखने लग जाते हैं और कौशल्या शब्द ही बार बार रिपीट करते रहते हैं कौशल्या 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 कौशल्या, कौशल्या। मानो कोई ऑडियो का कोई टेप है वो अटक गया हो क्यों क्योंकि वो यही सोचते रहते हैं कि कौशल्या का भाग्य क्या है और जब पहली सूरज की किरण जागृत होती है उसके बाद उनका पूर्ण श्लोक उनके मुख से प्रकट होता है कौशल्या सुप्रजा राजन पूर, राम पूर्व संध्या प्रवर्तते तो देखिए भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा गुण क्या है भक्ति मार्ग में व्यक्ति अपने आप को बहुत तुच्छ समझता हुआ हमेशा उसका शक्ति दूसरों के भाग्य की प्रशंसा करने में जाता है भगवान की शक्तियों का महिमा गान करने में जाता है सच ए ब्यूटिफुल बार बार भगवान की शक्तियों का महिमा गान कर रहे हैं कौशल्या की शक्तियों का महिमा गान कर रहे हैं दैट इज भक्ति भक्ति व्यक्ति को विनम्र बनाती है और दूसरों के महानता के प्रति सचेत करती है। डिवोशन इज दैट डिवोशन इज लाइफ Which makes one humble and conscious of others greatness. लेकिन अगर भक्ति के बिना केवल तपस्या की जाए योग साधना की जाए और भगवान की गान के बारे में ना सुना जाए तो क्योंकि व्यक्ति ने तपस्या के माध्यम से अपने बल के माध्यम से अपने इंद्रियों को संयम करके रखा है इसलिए एक रिस्क रहता है उसमें अपने शक्तियों के बारे में अहंकार होने का क्योंकि अपनी शक्तियों के माध्यम से किया है लेकिन भक्ति में भगवान की महिमा गान करते 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 भगवान की कृपा से अपनी इंद्रियों पर संयम प्राप्त हुआ है तो हमेशा भगवान की ग्रेटनेस के प्रति कॉन्शियस रहना और अपने क्षमताओं के प्रति नम्रता धारण करना की ह्यूमिलिटी इन जेन्युन ह्यूमिलिटी इन योर हार्ट हम यहां देख रहे हैं विश्वामित्र कौशल्या के गुणगान करते जा रहे हैं तो इस प्रकार से विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर चले और सुबह के समय ऐसा उठा रहे हैं उसी के ऊपर इतनी सुंदर कथा बताई गई है। तो आज की कथा को हम यही विराम देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद श्री रामचंद्र भगवान की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे कृपया ये नाम जपते चलिए हमेशा महामंत्र का आश्रय लेते चलिए जितना अच्छा नाम जप करेंगे उतना हम भगवान की लीलाओं को आ, समझ पाएंगे लीला में प्रवेश कर पाएंगे नाम रूप गुण लीला सबसे पहले भगवान के साथ संपर्क करना है तो उनके नाम के साथ संपर्क कीजिए हरे कृष्णा धन्यवाद